Good morning class, welcome back to our next class. Today next exercise 3.3. Our question is simplify. Board mass aap sab ne suna hoga ki kya hota hai. Board mass suna hai sab ne? Before bracket, chahe wo bracket small ho, big bracket ho ya middle bracket ho. O for off, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction. पता है आपको बोर्ड मास का मतलब? इट मीन जब भी आपको सिंप्लीफाई वर्ड दिया गया हो आप सबको सबसे पहले पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये रूल आपको कहीं भी कोई भी क्लास में दे दें आपको यही रूल अप्लाई करना है जब भी आपको सिंप्लीफाई के लिए बोला जाए. तो क्वेश्चन है 2.5 + 0.5 + 4 × 2.5. तो हमें पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का रूल है कि पहले जो वैल्यूज बी ओ डी एम ए एस की तरह ही हमें सॉल्व करना है. तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. 25 × 4 होता है 100 और सिंगल वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना था तो सिंगल वैल्यू के बाद पॉइंट लग गया. ये था 2.5 0.5 एज इट इज. इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 10.0. अब देखो डेसिमल में पॉइंट में कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं क्या हो? हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. इन तीनों को ऐड करना है तो 2.5 + 0.5 + देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ये ध्यान नहीं रखना है कि ये 1 कहाँ जा रहा है 2 कहाँ जा रहा है 0 कहाँ जा रहा है. सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ये ध्यान रखना है आपको. सो 5 5 10 तो 0 आ गया 1 कैरी 1 and 2 3 and 1. सो 13.0 और 13 विल बी अवर आंसर. ठीक है ये सॉल्व हो गया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट भी एज इट इज ऐसा ही है. 1.1 × 0.1 + 3.01 − 0.01. अब देखो यहां भी क्या है 11 × 1. अगर मान लो इसका पॉइंट हटा दू और इसका भी पॉइंट और जीरो हटा दू तो क्या है 11.11 और 1. तो 11 × 11 क्या होगा? सॉरी 11 × 1 क्या होगा? 11. अब यहां एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां 11 × 1 11 1 और 2 तो कहां पॉइंट आएगा? 0.10 लिख सकते हैं. ठीक है मतलब 11 × 1 11 सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट आफ्टर टू डिजिट वी हैव टू पुट पॉइंट. सो 0.01. सेम 3.01 − 0.01. जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं. पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए 0.11 3.01 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 3.12 और उसके बाद हमें माइनस करना है. देखो इसमें तो हमने क्या किया था तीनों को एक साथ ऐड कर दिया था पर इसमें ऐसा नहीं कि हम पहले ऐड तीनों को एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं. इसमें पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया फिर जो आंसर आया 3.12 उसमें से मैंने −0.01 माइनस कर दिया. सो वी विल गेट 3.11 दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट पार्ट है थर्ड 1.4 × 3.2 + 2 × 2.1 − 0.8. देखो यहां इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है तो पहले सिर्फ मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं. 14 और 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 448. 14 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 448. यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहां भी एक तो यहां पॉइंट आ जाएगा. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए 4.48 + 2 × 2.1 −0.8. फिर इसकी तरह ही सेम करना है पहले इन दोनों को ऐड कर लो और फिर माइनस कर दो. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे 4.48 + 4.2 क्योंकि हमें क्या रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहे उसके बाद में वैल्यूज कहीं भी कुछ भी छूट गया हो. 8 का 8 4 2 6.448 वी विल गेट 8.68. जब माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और माइनस कर देंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.88. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इनके जैसा ही है वो आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ
12 प्लस 1 बाय 2 प्लस 0.5 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 2। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। 12 एज इट इज 1 अपॉन 2, मतलब 1 में हमें 2 से डिवाइड करना है, जो नीचे वैल्यू होती है उसका मतलब यही है, उससे हमें डिवाइड करना है। पहले हमने पॉइंट लगाया, यहां क्या आ गया 0, 5 टाइम डिवाइड किया 10, तो 1 अपॉन 2 कैसे चेंज हो गया 0.5 में, 0.5। इनको आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। आपको कई बार जैसे टेस्ट में किसी क्वेश्चन में हाफ मार्क्स मिलता है तो यू कैन से 0.5 हाफ होता है, तो इसको मैंने हाफ लिख दिया। फिर नेक्स्ट आया 0.5 इंटू 5 अपॉन 2, यही है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 25 और 2.5, क्योंकि एक वैल्यू से पहले क्या था हमारे पास पॉइंट, तो ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2.5 अपॉन 2, यही आएगा, यही मैंने लिखा है माइनस 2। 12 एज इट इज, 0.5 एज इट इज। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया है, 2.5 में हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमें मिला 1.25 माइनस 2। अब देखो इनको ऐड कैसे किया है, एक बार तो हम बता दो आपको, 2.5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 25 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 5 2 2 जा 4, 1 बच गया 0.5, 0, ये तो होगा डिवाइड 12.5, लेकिन यहां एक वैल्यू से पहले भी पॉइंट दे रखा है, तो हम कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, दो वैल्यूज के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.25। अब हम ऐसे वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे जिनमें पॉइंट ही नहीं है, देखो यहां 12 है, यहां 0.5 है, यहां प्लस 1.525 है, और हमें इन्हीं तीनों को ऐड करना है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 12.0, फिर 0.5, फिर 1.25। आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसके इधर संख्याएं हो चाहे इधर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 13.75, और जब माइनस करना है तो हमें सिर्फ 2 माइनस करना है, तो पॉइंट तो है ही नहीं, तो माइनस 2.0 लिखेंगे हम, ठीक है। कोई भी वैल्यू के आगे हम 0.0 लगा सकते हैं, बस इसका समझाने का मतलब यही था, जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो 11.75 हमारा आंसर होगा। एज ए होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 6th करना है, उसके बाद इसके 4 पार्ट्स और बच जाएंगे, 7, 8, 9 और 10, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।